कर्ज के चलते किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आपने खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन कर्ज के बोझ में दबकर बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या ने हम सबको हैरान कर दिया। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर के लिए कर्ज चुकाना इतना मुश्किल कैसे हो गया कि उन्हें आत्महत्या करना आसान लगा। आज हम आपको बताएंगे कि आत्महत्या करने से पहले नितिन देसाई किस तरह रोज मर मर कर जी रहे थे और कैसे उन्हें कर्ज देने वाली फाइनेंस कंपनी एडलवाइस के अधिकारियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने रायगढ़ जिले के खालापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई है। FIR में आरोप लगाया है कि एडलवाइस ग्रुप के अधिकारियों ने नितिन देसाई को लोन की वसूली करने के लिए बार बार मानसिक कष्ट पहुंचाया। नेहा देसाई ने शिकायत में कहा कि मानसिक कष्ट के कारण ही उनके पति नितिन देसाई ने आत्महत्या की। जी न्यूज के पास नितिन देसाई आत्महत्या केस में दर्ज इस FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें विस्तार से बताया गया कि नितिन देसाई ने किन परिस्थितियों के चलते आत्महत्या की और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। इस FIR में एडलवाइस ग्रुप के अधिकारियों समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला नाम है एडलवाइस के चेयरमैन रशेश शाह, दूसरा नाम है एडलवाइस के अधिकारी स्मिथ शाह, तीसरा नाम है एडलवाइस से जुड़े केयूर मेहता, चौथा नाम है एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी EARC के अधिकारी RK बंसल, और पांचवा नाम है जितेंद्र कोठारी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अधिकारी हैं ये। FIR के मुताबिक एडलवाइस फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों के बार बार पैसे मांगने की वजह से नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इस सवाल का जवाब भी FIR में दिया गया है। ये FIR मराठी भाषा में लिखी गई है, लेकिन DNA की टीम ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। FIR में नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने बयान दिया है। वर्ष 2016 में एडलवाइस ग्रुप के अधिकारी रशेश शाह ने खुद नितिन देसाई को प्रस्ताव दिया कि उनकी फाइनेंस कंपनी उनके स्टूडियो में निवेश करना चाहती है। इसके बाद नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी से वर्ष 2016 में 150 करोड़ और फिर वर्ष 2018 में 35 करोड़ रुपए का लोन लिया। बदले में ND स्टूडियो की जमीन गिरवी रखी गई। FIR के मुताबिक अप्रैल 2019 में ECL फाइनेंस कंपनी ने नितिन देसाई पर 6 महीनों की अवधि के लिए लोन की किश्तों की प्री पेमेंट करने का दबाव डाला था, जबकि नितिन देसाई समय पर किश्तें चुका रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के दबाव में आकर नितिन देसाई ने हीरा नंदानी पवई में अपना एक कार्यालय बेच दिया और फरवरी 2020 तक इंटरेस्ट सहित लोन की सभी किश्तें चुका दी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से लगे प्रतिबंधों के कारण फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई और नितिन देसाई का स्टूडियो भी बंद हो गया। कोरोना महामारी के दौर में बिजनेस में रुकावट के कारण ECL फाइनेंस कंपनी से लिए गए लोन की किश्तें चुकाने में देरी होने लगी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक नितिन देसाई ने महामारी संकट के बावजूद ECL फाइनेंस कंपनी को लोन चुकाने की पूरी इच्छा दिखाई, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी स्मिथ शाह और केयूर मेहता हमेशा लोन की किश्त चुकाने का दबाव बनाते रहे। FIR में नेहा देसाई ने बताया कि नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी को वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी केयूर मेहता और स्मिथ शाह ने अचानक नितिन देसाई को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती। FIR में नेहा देसाई ने बताया है कि कैसे ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर उनके पति को प्रताड़ित करने का खेल खेला। नेहा देसाई के मुताबिक नितिन देसाई लोन चुकाने के लिए अपने स्टूडियो में निवेश के लिए नए निवेशकों को ला रहे थे, लेकिन उन्हें ECL फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। नितिन देसाई इस बात से मानसिक दबाव में थे कि ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी उनके स्टूडियो को हड़पना चाहते थे। आरोप है कि नितिन देसाई लोन रिस्ट्रक्चरिंग और वन टाइम सेटलमेंट में से किसी एक के लिए तैयार थे, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ऐसा करने से बच रहे थे।
ACL फाइनेंस कंपनी की इस नीति के कारण नितिन देसाई के बिजनेस प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे और नए प्रोजेक्ट में भी दिक्कत आ रही थी, जिससे वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सब चक्करों में फंसकर नितिन देसाई पर लोन की कुल बकाया रकम बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गई थी। इन सब कारणों से नितिन देसाई काफी तनाव में रहते थे। इसी 25 जुलाई को ECL फाइनेंस कंपनी की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने नितिन देसाई की कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद ND स्टूडियो के सील हो जाने का डर नितिन देसाई को सता रहा था और फिर 2 अगस्त को नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली। The purpose behind this statement is to put a stop or to request people to stop spreading false information and to bring the truth to light. The loan amount was 181 crores, out of which we made payments for 86.31 crores. Until February of 2020, all payments were made. They also demanded a 6 months interest in advance, which my father provided by selling his Bhavai office. He had no intention to defraud anyone, and he was going to make all the payments that he had promised. Due to the pandemic in 2020, the entire world came to a standstill, and the Bollywood industry was badly affected as well, because of which there was no work and the studio was closed. So he could not make his regular payments, and there were some delays. Even after that, he repeatedly made attempts to meet with the company, the lender company, to negotiate with them for a restructure or some help or a one-time payment or some leeway in the payment so he could still finish paying back what he owed. The company gave him false assurances but started legal matter and legal proceedings on the side. सिर्फ नितिन देसाई का परिवार ही एडलवाइस कंपनी पर आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है। खुद नितिन देसाई ने भी आत्महत्या करने से पहले वॉइस मैसेज में अपनी आत्महत्या की वजह और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बयान छोड़ा है। पुलिस को नितिन देसाई के कुल 11 ऑडियो मैसेजेस भी मिले हैं, जिसमें से एक में उन्होंने कहा है कि रशेश शाह एक मूर्ख है और उसने छोटे और बड़े बिजनेसमैन के लिए कड़ी मेहनत से बनाए गए मेरे स्टूडियो को निगल लिया। मैंने उसे 100 बार फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग NCLT के जरिए बहुत परेशान किया। मेरे पास 2-3 निवेशक निवेश करने के लिए तैयार थे लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। मुझ पर दोगुनी कीमत का बोझ डालकर दबाव में डाला गया। मुझ पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके से दबाव डाला गया। नितिन देसाई ने एक और ऑडियो मैसेज में कहा था कि स्मिथ शाह, केयूर मेहता और RK बंसल मेरे स्टूडियो को लूटने, मुझे बदनाम कर घेरने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, रुपए के लिए धमकी देकर दबाव डाला, मेरा सोने जैसा ऑफिस बिकवाया, साजिश कर दबाव डालकर बर्बाद किया, मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन देसाई के आखिरी ऑडियो मैसेजेस अब इस केस में अहम सबूत बन चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि एडलवाइस कंपनी के अधिकारियों ने साजिश रचकर नितिन देसाई को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अब पुलिस FIR में आरोपी 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन एडलवाइस के मैनेजमेंट को अभी भी लगता है कि
कि उसके अधिकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। एडलवाइस ने जी न्यूज को ईमेल पर अपना जो जवाब भेजा है उसमें कंपनी ने दावा किया है कि एडलवाइस आर्क ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। कंपनी के मुताबिक नितिन देसाई से ना तो ब्याज दर बहुत अधिक ली गई थी और ना ही वसूली के लिए उन पर कोई दबाव डाला गया था। कंपनी ने कहा है कि पैसे वसूलने में पूरे नियम और कायदे का पालन किया गया है। अब एडलवाइस की तरफ से चाहे जो भी सफाई आए, लेकिन इससे सच तो नहीं बदल जाएगा कि उसके अधिकारियों की तरफ से मिल रही प्रताड़नाओं की वजह से नितिन देसाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। सोचने वाली बात तो वैसे ये भी है कि जब इतना बड़ा और नामी आर्ट डायरेक्टर फाइनेंस कंपनी के जाल में फंसकर खुदकुशी कर सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां कोई प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज्ड बैंक हो, जब लोन दिया जाता है उसी वक्त इतने डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत लिए जाते हैं और जो बोरर रहता है वो बोरर हर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करता है, जैसे बैंक ऑफिशियल बोलते हैं और प्राइवेट जो फंडिंग करता है वो बोलता है। कई बार तो ऐसा है कि लिमिटेशन का तो 3 साल का है, पर इन एडवांस टाइम बार न होने के कारण, लोन टाइम बार न होने के कारण इन एडवांस एक्नॉलेजमेंट रिवाइवल लेटर्स पे भी सिग्नेचर ली जाते हैं। और लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन अगर वो इन टाइम नहीं रिपे किया गया तो उस पर जो ब्याज चढ़ता है वो ब्याज बहुत भारी पड़ता है। सिर्फ भारी नहीं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह से पिनल फाइन, इतने अलग अलग फाइन लगाए जाते हैं कि जिससे जो लोन देता है वो बहुत मुश्किल में आ जाता है, उसका सोशल प्रेस्टीज खत्म हो जाता है और उसी हालत में अगर उसका मेंटल बैलेंस खो बैठा तो हमने देखा है कि नितिन देसाई जी की क्या आज हालत हो। एक बड़ा मराठी शानदार एक कले का डायरेक्टर थे और जो लोन लिया था उससे कई दुगना लोन रिपे न करने के कारण उससे उन्होंने उनको जान देनी पड़ी, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया गया। नितिन देसाई जैसे बड़े आर्ट डायरेक्टर को कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ गई तो वसूली गैंग बन चुकी लोन प्रोवाइडर कंपनीज का चाल चरित्र चर्चा में आ गया। वरना सच तो ये है कि हमारे देश में रोजाना कई लोग ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज का शिकार होते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों की ही बात करें तो कर्ज से तंग आकर हर साल हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ष 2020 में 5213 लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की थी। इस हिसाब से हर दिन औसतन 15 लोगों ने आत्महत्या की। 2019 में भी 5908 लोगों ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी की थी। और कर्ज के इस जाल में समाज का सिर्फ गरीब फंसकर जान गंवा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। यहां आपको ये जानना भी जरूरी है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारी या रिकवरी एजेंट लोन की किश्त ना चुका पाने पर आपको डरा या धमका नहीं सकते। और लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर RBI की गाइडलाइंस भी है जिसके मुताबिक लोन रिकवरिंग के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को वर्किंग डेज में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल या घर आ सकता है। लोन की रकम की वसूली के लिए सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ग्राहकों को रिकवरी एजेंट या एजेंसी के बारे में जानकारी देगी। रिकवरी एजेंट ग्राहक से संपर्क करते समय बैंक के नोटिस की कॉपी को साथ रखना होगा। लेकिन अक्सर बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज ग्राहकों को प्रताड़ित करती है और नियमों के खिलाफ जाकर ग्राहकों को परेशान करती है। अगर आप भी किसी कर्ज के जाल में फंसे हैं और बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के वसूली गैंग आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800 11 4000 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। DNA में वक्त है पॉजिटिव न्यूज का और ये न्यूज है चंद्रयान 3 से जुड़ी
जो अपने मिशन की तरफ कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चांद का एक वीडियो बनाकर भेजा है, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो इसरो ने जारी किया है। 45 सेकंड के इस वीडियो में चांद की सतह पर हल्के नीले हरे रंग के कई गड्ढे नजर आ रहे हैं। चंद्रयान 3 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई चंद्रमा की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है और इस बात का सबूत है कि इसरो का मिशन मून इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब आज का प्रेरक विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार। Zee News.